राहुल गांधी आप देख रहे हो जो जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी या उनके जो सहयोगी है राहुल गांधी जो टिप्पणी कर रहे थे बिल्कुल प्रखर नेता के रूप से उभरे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल देख लो, आप उनके स्टेटमेंट देख लो, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वो अपने भाषण दे रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से बात रख रहे हैं। राजस्थान के बारे में जो एजेंडा दिया उसके हम पालना करेंगे, जो सौदन का दिया है बिल्कुल व्यवस्थित तरह से कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे एक ही झंडे नीचे हम चुनाव लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि क्या वाकई में जिस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई इसके बाद कांग्रेस प्रोएक्टिव होती हुई नजर आ रही है, और क्या वाकई में यही वजह कि राहुल गांधी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, बाकायदा 100 दिन का प्लान बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सितंबर से इसकी शुरुआत वो खुद करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, ढाबे भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, यानी कि हर वो काम किया जाएगा जिसके जरिए राजस्थान को जीत लिया जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर 2019 के चुनाव में चेहरा बनना है तो 2018 में विधानसभा में राजस्थान में जीतना होगा। मानचंद खंडेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानचंद जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि सत्ता के सिंहासन यानी कि कहें कि उसका सपना देखने के लिए भी राहुल गांधी को राजस्थान से होकर गुजरना पड़ेगा, और यही वजह कि वो एक्टिव प्रोएक्टिव या कहें कि पूरे तरीके से समर्पित राजस्थान के लिए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसको कई कोण से देखना पड़ेगा आपको। एक तो जहां तक सैद्धांतिक बात है, संवैधानिक बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी व्यक्ति को पहले आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जी। अगर पहले आप प्रोजेक्ट करते हैं इसका मतलब जो चुनने वाले विधायक हैं उनका बंधक बना लेते हैं, ये तो सैद्धांतिक बात हुई। लेकिन सवाल यह आ रहा कि जनता जो है वो जो मतदाता है वो चेहरा देखना चाहती है, और अगर चेहरा वास्तव में वो है जो कि जनता में लोकप्रिय हो, दिखाने वाला चेहरा नहीं हो। इस संदर्भ में आपसे कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो रास्ता अपनाया है ना, वो मैं समझता हूं कि स्ट्रेटजिकली व्यूहरचना की दृष्टि से सफल होने की संभावना उसकी कम है। देखिए क्यों कम है, अब ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस चेहरे को प्रमोट नहीं करती है, जनता के बीच में नहीं लाती है, तो राहुल गांधी कितनी ही कोशिश कर ले कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। देखिए, मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, जहां पर पार्टी महत्वपूर्ण होती है ना कि साहब ये पार्टी है, ये इसके सिद्धांत हैं, इसके आदर्श हैं, ये इसकी वो है, वो बातें अब नहीं है कांग्रेस की। इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व होगा ना उसमें विश्वास कम होगा, क्योंकि आप लांछन क्या लगाते हैं, क्या मोदी जी हर जगह चुनाव जीतेंगे क्या? अब यहां पे लोग ये कहेंगे ना, क्या राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या यहां पे, जैसा गुजरात में आपने कहा था? तो देखिए ये क्या व्यंग है, लेकिन व्यंग में सार्थकता बहुत ज्यादा। तो मंचन जी, मुकाबला किसके बीच में होगा? मुख्यमंत्री बनाम कांग्रेस के, मोदी बनाम राहुल के, राहुल बनाम सीएम राज्य के, या अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा तो अभी भी जो है ना पूरी तरह से ये आंकलन है कि वसुंधरा के नेतृत्व में अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो बीजेपी को बहुत ज्यादा घाटा होगा। घाटा कब होगा? जबकि वास्तव में जन नेता कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा जी, संगठन का नेता कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा, हाईकमांड का नेता कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा, और हाईकमांड सामने आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस का जो हाईकमांड हाईएस्ट कमांड है वो यहां की मुख्यमंत्री से मुकाबला कर रहा है, जैसा अभी हम लांछन लगा रहे हैं या कांग्रेस वाले लांछन लगा रहे हैं कि आप जो है ना कि वो छोटे छोटे राज्यों में प्रधानमंत्री जाकर और मुख्यमंत्री का मुकाबला कर रहे हैं, यही तो बात होगी। तो अब ये बात, इसका मतलब इसका कोई मतलब निकलेगा, और मेरा आंकलन ये है आने वाला चुनाव बीजेपी वसुंधरा जी के नेतृत्व में नहीं लड़ेगी, अगर लड़ेगी तो बहुत ज्यादा मात खाएगी। ठीक है, संगीता गर्ग जी से पूछ लेते कि कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ने वाली है प्रदेश का चुनाव। संगीता जी, देखिए ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल जी ने स्पष्ट शब्दों में आपको जानकारी है बता ही दिया है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि मैं तो इतना बताना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता राजस्थान की मुख्यमंत्री से भी परेशान है और हमारे सेंटर के नेतृत्व प्रधानमंत्री जी से ही परेशान है, क्योंकि नीतियां उनके भी जनता के खिलाफ रही और मुख्यमंत्री के भी खिलाफ रही, तो दोनों का जो अच्छा जरा बताइए रमेश मीणा जी किससे परेशान है? वो कहते हैं कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने मैच फिक्सिंग कर ली, वो गंभीर आरोप लगाते हैं, वो किससे परेशान है? देखिए रमेश मीणा जी ने क्या कहा मेरी जानकारी में नहीं है, वो जाने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, हमारे सेंटर का नेतृत्व जाने, मेरे को जानकारी नहीं है वो उन्होंने क्या कहा, मैं उस पे नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि जो राजस्थान, लेकिन मैम जरा देखिए इत्तफाक कहिए या क्या कहिए, रमेश मीणा जी कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं, वो कहते हैं कि विधायकों ने मैच फिक्सिंग कर ली, नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगते हैं सट्टेबाजी के, और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो विधानसभा में दिखाई नहीं देते हैं, ये कांग्रेस की गंभीरता है? देखिए अविजेंद्र जी, अगर आप ये कहें कि जो नेता प्रतिपक्ष है उन पे आरोप बीजेपी ने लगाए वो आज तक साबित नहीं कर पाए जी,
तो बिना तो मैं बहुत कुछ नहीं होता। बिना कुछ भी किसी भी आधार के आरोप आप लगा सकते हैं, प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, लेकिन जब मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं, लेकिन साबित नहीं मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं कि जिस दिन अभिभाषण था उस दिन भी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में नहीं थे। देखिए अगर कोई किसी को कोई काम है वो नहीं आते, लेकिन उपस्थिति के मामले में आप देखेंगे काम भी मैं बताता हूं मैम। मुझे लगता दिल्ली परेड करने गए थे। मुझे लगता है कि आप विजेंद्र जी जैसा आप कह रहे हैं, एक चीज बताइए कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से अगर कोई काम है तो फिर विधानसभा छोटी है, तो फिर विधानसभा छोटी है, नेता प्रतिपक्ष का रोल ओहदा भी छोटा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होती है, निर्भर करता है कि जिम्मेदारी निभानी किसके लिए है। श्याम सुंदर जी, लेकिन आप जो कह रहे श्याम सुंदर जी, जिस तरीके से बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस वाकई में जिस तरीके से राहुल गांधी एक अपने एक अलग मोड़ा लेकर चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर मनफुटाबल कहिए या फूट कहिए वो तो अभी भी दिखाई देती है। रमेश मीणा जिस तरीके से कांग्रेस के लिए बोलते हैं, जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है कि अभिभाषण को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, और अशोक गहलोत मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए, आप ज्यादा वक्त बिताते हैं विधानसभा में, आपको दिखाई दिए? देखिए विजेंद्र जी, बार बार संगीता जी कह रही कि केंद्रीय नेतृत्व का काम था जी, अशोक गहलोत को तो नहीं बुलाया था, अब ये प्रतिपक्ष के नेता को बुलाना क्या जरूरी था? अशोक गहलोत उस समय आप सुनिए सही, आप सुनने का प्रयास नहीं करेंगे, अशोक गहलोत उस दिन जोधपुर में थे, वो नहीं थे दिल्ली में। आप प्रतिपक्ष के नेता को प्रतिपक्ष के नेता को कहना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है साहब, आज हमारे यहाँ राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत होगा, ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ रहना जरूरी है, मैं बाद में मिल लूंगा आपसे। अगर इनको अब जो दो सांसद और एक विधायक जीते हैं तो शाम को मिल लूंगा, शाम को आ जाएंगे, फ्लाइट से आना जाना हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विधानसभा को इग्नोर करो और वहां जाने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से आपका कद छोटा होता है, कद बड़ा नहीं हुआ, इसलिए आपके मुख्यमंत्री ने आप आरोप लगाए और आप जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे। अब देखिए अशोक गहलोत के बारे में दो तीन बार हाउस में जिक्र आया कि वो बाहर तो कुछ बोल रहे हैं, एक बार भी यहाँ नहीं आए जी, और हाउस को वो और पूरा बजट सेशन खत्म होने पूरा बजट सेशन में एक दिन भी मेरे को नहीं लगा कि आकर के वो रिफाइनरी के बारे में भी स्पष्टीकरण देते या बाकी के जो बाहर आरोप लगा रहे हैं वो अंदर लगाते आरोप नहीं लगा। अब इनके कहने की उपनेता के बारे में, रमेश मीणा के बारे में जानकारी, रमेश मीणा क्योंकि कांग्रेसी तो है नहीं, वो तो कांग्रेस में आए हैं, पहले बीएसपी के थे और अशोक गहलोत ने उनको वो संसदीय सचिव बनाया था, उसके बाद वो कांग्रेस के हो गए और कांग्रेस में आ गए क्योंकि उनको पता है कि आपसी विवाद का विषय शुरू से चल रहा है। उनके भाई जो जिला प्रमुख है करौली के, उनके ऊपर कुछ सरकार ने आरोप लगा करके हटाने का प्रयास किया और प्रतिपक्ष के नेता ने उसमें सहयोग नहीं किया, तो व्यक्तिवाद वहां पर विभावी हो गया और इस कारण से आपस में तालमेल नहीं बन पाता। ठीक है सर, तो जरा बताइए कि वैसे तो पायलट के नेतृत्व में ये चुनाव कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्या कांग्रेस फिलहाल ऑटो पायलट मोड में दिखाई दे रही है? देखिए क्योंकि हर कोई जिसका जहां मन कर रहा है जैसे मन कर रहा है चल रहा है। विजेंद्र जी, जब नेतृत्व में क्षमता और एक साथ बैठाने की ताकत नहीं होती तो ये सारी चीजें उठती है। अब इसलिए राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया कि क्या हो रहा है राजस्थान में, क्यों ऐसा विवाद का विषय बनता है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि एक एजेंडा और कांग्रेस का झंडा इसके आधार पर आप जाइए और वहां पर चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच में मैं नहीं पड़ने पाला। अब उन्होंने कह तो दिया यहाँ उनके अनुपालना कितनी हो पाएगी, क्या होगा अब, क्योंकि मार्च के बाद वो शुरू करेंगे किसान सम्मेलन पूरे जिलों में करने हैं, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र में करने हैं, ये बहुत अलग तरह की चीज हो रही है। तो लेकिन कितना क्या राहुल जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है उससे बीजेपी को परेशानी होगी? देखिए परेशानी तो बीजेपी को निश्चित रूप से होगी क्योंकि गुजरात का चुनाव परिणाम देखने के बाद बीजेपी चिंतित 100% होगी और आप देखिए दो लोकसभा क्षेत्र इन्होंने छीन लिए और एक विधानसभा क्षेत्र छीन लिया, इसके बाद चिंता का विषय तो मुख्यमंत्री के ऊपर होने लगा। राहुल गांधी आए नहीं, देखिए राहुल गांधी आए नहीं आए लेकिन उनका जिस प्रकार से स्थिति होती अलग तरह की, लेकिन प्रधानमंत्री एक जगह आके रह गए दूसरे जगह नहीं आए क्योंकि उनका विवाद हो गया। अब आ रहे हैं वो 8 तारीख को, 8 तारीख को प्रधानमंत्री किस प्रकार का संदेश कार्यकर्ताओं और नेताओं को देंगे उस पर निर्भर करेगा कि राजस्थान में किसके नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी। आपने नेतृत्व का जिक्र यहां पर किया, दीपक भाकर जी, 8 तारीख 8 मार्च जी महिला दिवस जी, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन अगर मैं गलत नहीं तो, और उस दिन प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आना जी, क्या ये संदेश है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो मुकाबला होगा वो मुख्यमंत्री बनाम राहुल गांधी होगा? देखिए राहुल गांधी के लिए तो मैं बताऊं हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है जब भी राहुल जी अगर आना चाहेंगे। सर गुजरात में भी हुआ है? देखिए
गुजरात में क्या वो आपके सामने ही है? आज अगर वो हारी हुई बाजी को वो जीतना मानते हैं, मानते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। तो आप खुद कहेंगे कि हम हार गए। देखिए 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 दूसरी बात, दूसरी बात, देखिए उसके अच्छा छोड़िए आप उसकी बात। निंजाड़ के चक्कर में पटक दिया। देखिए सचिन पायलट जी ने टेक ऑफ तो कर लिया, वो लैंड अगर गाजियाबाद जाके हो तो आश्चर्य मत करना। अब ये स्थिति आ गई है इनकी कि पायलट साहब खुद कह रहे हैं कि अगर केंद्र नेतृत्व गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो उनका स्वागत है। हालांकि इस लाइन को बोलने के लिए उनको कितनी तकलीफ होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, ये आप हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, मैं तो इनको बताना चाहूंगा दो लाइनों के अंदर कि नजर हो आसमान पे लेकिन पांव तो जमीन पे रखिए, न जाने कब कुछ करना पड़े, अपना सामान मुख्तसर रखिए, इनको तैयारी रखनी चाहिए कब इनको जाना पड़ रहा है। दीपक भाकर, अब कुछ बयान मैं सुना रहा हूं जो बीजेपी के हैं। चार सालों में सरकार नाम की चीज महसूस नहीं हुई, ये बीजेपी के विधायक ने कहा सर। इसके अलावा यह भी कहा गया कि मेरे मुंह में साइलेंसर कोई लगा नहीं सकता है, यह भी बीजेपी के ही नेता ने कहा। इसके अलावा भी दर्जन भर से ज्यादा बयान है सर जो बीजेपी के ही नेता देते हैं। विजेंद्र जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कई बार बोलते हैं। देखिएगा कि आज विधानसभा में मैंने बहुत अनोखी चीज देखी। आज आप जो उपाध्यक्ष आसन पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि विधानसभा के प्रति अधिकारियों की कितनी लापरवाही बढ़ गई है, ये देखने को कैसे मिली? जी बिल्कुल, मैं भी कि 72 प्रतिवेदन समय पर आए नहीं विधानसभा में, और उन्होंने आज उनको लांछित करते हुए कहा कि सरकार का यही रवैया सदन के प्रति है तो हम उन अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कार्रवाई कीजिएगा। अरे आप देखिए, संसदीय मंत्री को गड़गड़ाना पड़ा कि सरकार के के जो घोड़े हैं हम उनकी लगाम नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए हम उसको कार्रवाई करेंगे। 5 मार्च का समय निर्धारित कर दिया है जी, बिल्कुल कि सारे ACS के साथ मंत्री अपना स्पष्टीकरण लेके आए कि सदन का चरित्र गौरव हमारे लिए वो है, गौरवशाली है, उसको हम सुरक्षित रखेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। ठीक है दीपक भाकर जी, आप जरा बताइए, आप जरा बताइए, मुझे एक बयान याद आ रहा है दीपक भाकर जी, सत्ता में आने के बाद सदन सर्वोच्च, सुनिए सर मुझे एक बयान याद आ रहा है सत्ता में तुरंत आने के बाद दिया गया था कि सिस्टम के ग्रीसिंग करके रखेंगे। देखिए सर, वो ग्रीसिंग नहीं हुई 4 साल में? देखिए ग्रीसिंग तो हुई थी, आप देखिए पिछली बार ऐसी तकलीफ नहीं आई थी। अगर इस सचखंड ऐसी शिकायत आई है तो आप देखिए कि उसकी ग्रीवेंस को एडजस्ट, ग्रीवेंस आना बड़ी बात नहीं होती, ग्रीवेंस को एडजस्ट करना बड़ी बात होती है। और स्वयं जब मंत्री कह रहे हैं द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हाँ हम इस मामले में इसको गंभीरता से ले रहे हैं और आने वाले, किसको गंभीरता से ले रहे हैं? अपने विधायकों को गंभीरता से ले रहे हैं, जिस अधिकारी वर्ग की उन्होंने बात की, अधिकारियों को अपने देखिए श्याम जी ने जब मुद्दा उठाया है सर गंभीरता से, अगर अधिकारियों को लेते हैं उठा रहा है उसको संसदीय मंत्री जी ने, यही मामले आपके खिलाफ जाएंगे सर, यकीन मानिए। नहीं नहीं गंभीर, ये हमारे समर्थन में आएंगे, अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिले, आप कह रहे हैं कि गंभीरता से ले रहे हैं, विधायक खुले हम बोलते हैं, आप कह रहे हैं व्यक्तिगत आजादी है, कहा जा रहा है कि सरकार कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी। आप ये देखिए अगर कांग्रेस के समय होता आपको कल्पना कर सकते हैं कभी ऐसा क्या कहा जाए? मंत्री जी कार्रवाई, बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो बीजेपी के अंदर चल रहा है वो जग जाहिर है। और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी को ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के अंदर राजस्थान में चल क्या रहा है, उसका फायदा उठाया जाए, राजस्थान में पकड़ बनाई जाए और फिर 2019 में आया जाए? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए एक बात ये है, अभी इन्होंने क्या कहा, इतने अधिकारियों को लताड़ पिलाई जी और फिर कहा कार्रवाई होगी। अरे वो ऐसा काम कर रहे हैं इसकी सरकार को जानकारी नहीं है क्या? हाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां सुपर कैबिनेट है, 3-4 लोग हैं जिसमें IAS लॉबी है, उसके अनुसार इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। और ये अधिकारियों को ये पता है कि हमने मजबूर कर दिया था काला कानून लाने के लिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये MLA होते क्या है, ये इनकी मानसिकता ये है। और अगर ये जहां मानसिकता है इसका मैं सरकार काम नहीं कर सकता। एक बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात आपने कही राहुल गांधी की, मैं समझ रहा हूं कि तुलनात्मक रूप पहले की तुलना में राहुल गांधी को जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, व्यू रचनाकार हैं, वो शायद पहले की तुलना में ज्यादा सही हो गए और अब वो गंभीरता के साथ में और तर्कपूर्णता के साथ में बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा, अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस के जो ना अध्यक्ष हैं, वो अगर यहां आकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं 19 में जो ना इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। क्यों? अगर मान लो कांग्रेस जीत गई तो ये कहा जाएगा कि लोकल जो हो जाएंगे वो, देखिए अरे अरे उनकी कांग्रेस चिंता करके आप जाना चाह रहे हो, पाला बदलना चाह रहे हो क्या आप? नहीं बार बार आप क्यों कांग्रेस की समर्थन में बात कर रहे हो? अगर पाला बदलना चाह रहे हो तो अगले बात करेंगे, इसलिए उनको डर लग रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको पाला बदलना है
तो अंधेरे में जाके कमरे में बात करना या असाधारण रूप से मत करो, नहीं तो एक्सपोज हो जाओगे बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। फिर आपको न तो यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। पाला बदलने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी सोचती है कि वो जीत जाएगी और कांग्रेस सोच रही है कि ऑटो पायलट मोड में वैसे ही प्रदेश के अंदर सरकार 5 साल में बदल जाती है तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ होता हुआ भी तो दिखाई नहीं देगा। छोटे से ब्रेक के बाद जल लौट रहे हैं। चुनाव आने के बाद हमने अपनी रणनीति वैसे ही बना ली और अगर आज भी चुनाव है तो कांग्रेस कम से कम 150 सीटें लाएगी, इतनी तैयारी की है। निश्चित निश्चित युवा वर्ग एक नए जोश के साथ इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेगा। ये तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी जाने कि कौन सी रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। अब गुजरात की रणनीति के तहत लड़े, हिमाचल की रणनीति के तहत लड़े या उत्तराखंड की रणनीति के तहत लड़े, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। लोकतंत्र करना भी चाहिए।